ये देखिए नजारा कुछ इस तरह से। डोबरा चांटी पुल दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं, तो मैं अब आपको दिखाता हूं डोबरा चांटी पुल से कुछ व्यू जो कि कुछ इस तरह से है, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ये देखिए आप, ये देखिए बहुत ही जबरदस्त, घूमने के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है अगर कोई मतलब यहाँ पे आना चाहता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ हो गए और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आप जैसा कि देख रहे होंगे मैं एकदम से पैक हो चुका हूँ क्योंकि मैं बहुत दूर जाने वाला हूँ दोस्तों। तो आप लोगों को भी दिखाने वाला हूँ एक नई जगह जो कि आपने नाम भी सुना होगा, उसका मैं नाम बता देता हूँ उसका, चिन्याली रिसोर्ट। चिन्याली रिसोर्ट एक नई जगह है मतलब हमारे लिए, तो आपने तो देखा भी होगा। तो चलिए मैं सीधा आपको ले चलता हूँ चिन्याली रिसोर्ट और कुछ रास्ते का जो व्यू है वो भी दिखाऊंगा और सारी जो हमारी रास्ते की जो भी एक्टिविटी रहेगी वो भी मैं आपको शेयर करूँगा। तो चलिए सीधा यहाँ से निकलते हैं। तो चैनल पे नए हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो, जिससे कि जो भी डेली ब्लॉग में वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए सीधा है अभी पहाड़ों की हसीन वादियों में। अभी इस जगह का नाम क्या था, ऐथी पहुंच चुके हैं हम। टिहरी की एक जगह है ऐथी, जहां पे हम अभी पहुंच चुके हैं। रोड देखिए आप, इतनी साफ रोड दिख रही है जैसे पहाड़ों में भी कुछ इस तरह से रोड है। और जैसे कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये पूरा बांझ का जंगल है इधर, पूरा टोटल बांझ है। तो चलिए यहाँ से निकलते फटाफट से क्योंकि हमको हो रहा लेट, तो थोड़ा फोटोग्राफी हो चुकी है, अब निकलते सीधा। चलते चलते पहुंच चुके हैं एक ऐसी जगह जहां से कुछ इस तरह का नज़ारा है। मतलब ये चिन्याली रिसोर्ट के आसपास है, मतलब बड़े थी यहां से 10 किलोमीटर है। तो मैं आपको दिखाता हूं बैक कैमरे से यहां का व्यू, बहुत सुंदर व्यू। ये देखिए नज़ारा कुछ इस तरह से। हम पहुंच चुके हैं बड़े थी का ये है। Thank you.
आपको डोबरा चांटी पुल भी है उधर, उस साइड पे भी ये रोड जाता है। तो चलिए, तो दोस्तों जिस घड़ी का आप लोगों को इंतजार था वो घड़ी अब आ चुकी है और हम पहुंच चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया नहीं ना बताया नहीं, तो हम पहुंच चुके हैं सीधा सीधा डोबरा चांटी पुल। आपने उत्तराखंड में एक पुल सुना होगा डोबरा चांटी पुल, जहाँ पे दूर दूर से लोग घूमने के लिए आ रहे हैं, मतलब उसका व्यू कुछ इस तरह से है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप भी बताओ कि कहाँ पे है ये। तो चलिए मैं आपको थोड़ा बैक कैमरे से व्यू दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जो डोबरा चांटी पुल है वो ये ठीक सामने दिखाई दे रहा है आपको ना, ये है दोस्तों डोबरा चांटी पुल। तो ये मैं पास में जाऊंगा तो ये दिखाऊंगा कि डोबरा चांटी पुल सामने से कैसे दिखता है, नजदीक से कैसे दिखता है। तो मैं पहुंच चुका हूँ, तो मैं अब आपको दिखाता हूँ डोबरा चांटी पुल से कुछ व्यू, जो कि कुछ इस तरह से है। जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये सीधी रोड आ रही है दोस्तों, ये सीधी उत्तरकाशी से रोड आती है। और अगर मैं आपको पुल दिखाऊं तो दोस्तों जो डोबरा चांटी है यहाँ पे अलग अलग नाम है, इधर को पड़ता है चांटी और अगर आप इस साइड पे देखो ये है डोबरा, तो इसलिए इस पुल का जो नाम है वो डोबरा चांटी पुल है। तो अब मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ बिल्कुल बारीकी से, जो यहाँ का पुल है वो कुछ इस तरह से है डोबरा चांटी। आप लोगों ने सुना होगा कि काफी मतलब फेमस पुल है डोबरा चांटी पुल, जो कि अभी हाल ही में बना है। और मैं आपको दिखाता हूँ इसका व्यू एकदम बिल्कुल पास से, जो लाइटिंग वगैरह लगी है ये कुछ इस तरह से, मतलब अद्भुत नज़ारा इस समय, मतलब ऐसा लग रहा ना कि मतलब हम कहाँ पे आ गए। ये देखिए आप, ये देखिए बहुत ही जबरदस्त किस तरह से बना हुआ ये पुल, मतलब स्पेशली ये मानो आपकी घूमने के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। अगर कोई मतलब यहाँ पे आना चाहता है तो काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी। तो दोस्तों जो लाली है, लाली को यहाँ पे पार्क कर दिया है, पार्किंग तो है नहीं यहाँ पर क्या करें कि मैंने अपनी गाड़ी को ना यहीं पे लगा लिया अभी, क्योंकि अभी थोड़ा रात का समय है ना, तो फिर इस वजह से गाड़ी को यहाँ पे अब यहाँ से निकलते, क्योंकि हमको ना पार्किंग के लिए मना कर दिया गया, हमारे लिए यहाँ पे साइलेंसर बज रहा था माइक से, पुलिस ने मना कर दिया है कि आपकी जो गाड़ी है वो पार्किंग जगह पे लगाए, और हमने यहाँ पे पार्क कर दिया था उस टाइम आ गए थे जल्दी में, हमको पता नहीं था। तो चलिए निकलते हैं अब यहाँ से, यार हो गया बहुत है ना, चलते हैं क्योंकि लेट बहुत हो गई है। चलिए रूम पे रेस्ट कर रहे हैं, रूम मतलब बहुत टाइम हो गया था, बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी, तो हमने सोचा कि अब रूम ले लिया जाए और यहीं पे रुका जाए। तो हम यहीं पे रुके हैं और खाना खुना हो गया है, थकावट बहुत ज़्यादा हो चुकी थी अभी के लिए, मतलब ऐसा लग रहा है शरीर ना जैसे टूटा शरीर लग रहा, तो अब ठंड भी हो रही थी। तो चलिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो दोस्तों ज़रूर बताएं आपको जो डोबरा चांटी पुल दिखाया मैंने आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि जो भी मैं इसी तरह की वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाएँ।